छतरपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। तो वहीं नौगांव में ऐसी घटना सामने आई है जो मानवता को शर्मसार करती है, जहां तड़के सुबह कड़कड़ाती ठंड में एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में अस्पताल के बाहर मिला है। नवजात मिलने की सूचना पर अस्पताल के BMO मौके पर पहुंचे और नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया, प्राथमिक उपचार किया गया और जानकारी के अनुसार नवजात बच्चे की तबीयत ठीक बताई जा रही। वहीं अब नवजात को जिला अस्पताल रेफर करके भर्ती कराया जाएगा। BMO ने कहा कि अस्पताल प्रबंधक ने लावारिस नवजात की जानकारी नौगांव थाने को दी है, जिसके बाद अस्पताल पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह 6 और 7 के बीच में अस्पताल से जो हमारे स्वीपर रहते हैं उनके द्वारा बताया गया कि एक नवजात शिशु बाउंड्री के बाहर मिला है, जब वो सफाई कर रहे थे। उसी दौरान डॉक्टर ड्यूटी के दौरान डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत थे, उनके द्वारा उनको निर्देश किया गया, ताकि तत्काल सूचना दी गई और मुझे बुलाया गया। मैं आया, मैंने डॉक्टर दीक्षित को तत्काल बुला के उसका ट्रीटमेंट चालू करा। बच्चा स्वस्थ है और लगभग ये बच्चा 12 घंटे के अंदर का ही नवजात शिशु है, और क्योंकि उसकी जो थॉट थी वो यही क्योंकि भाई जब बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है, बच्चे को अब प्राथमिक उपचार होने के बाद स्टेबल होने के बाद बाकायदा 108 के द्वारा ऑक्सीजन के साथ हमारे स्टाफ एवं पुलिस थाने के माध्यम से जिला अस्पताल में भेजा। आज सुबह 9 बजे के की बात है, अस्पताल से एक तहरीर में प्राप्त हुई जिसमें बताया लिख किया गया है कि एक नवजात शिशु अस्पताल के पीछे को मिला है, जैसे उनके द्वारा लाया गया है, समाज सेवियों द्वारा लाया गया है, जो अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है, इस संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है और नवजात शिशु का पता लगाया जा रहा है।